हेलो एवरीवन तो आज हम लोग करेंगे यूनिट सिक्स द इंग्लिश रिवोल्यूशन बी एच आई सी हंड्रेड एंड एट कोर्ट का सो लेट्स स्टार्ट विद विदेश इंग्लिश रिवोल्यूशन का क्या इश्यूज था जब इंग्लिश रिवोल्यूशन आया क्यों आया क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हम लोगों को देखने को मिला तो हम लोग ये चीज़ इसमें देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन किंग एंड पार्लियामेंट जैसे इंग्लिश रिवोल्यूशन आया हम लोग एक कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं किंग और पार्लियामेंट के बीच में जेम्स वंस एंड चार्ल्स वंस जेम्स वन एंड हिज सन चार्ल्स वन बिलीव्ड इन डिवाइन राइट ऑफ किंग्स व्हिच ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द पार्लियामेंट विच सॉट अ ग्रेटर कंट्रोल ओवर फाइनेंस एंड लॉज जेम्स वंस और चार्ल्स वंस जो थे जो सन थे सन चार्ल्स वन ये दोनों जो है वो डिवाइन राइट ऑफ किंग पे बिलीव करते थे कि किंग कि जो है वो गॉड के समान है, वो जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी और वो जो बोलती है वही सब कुछ सही है बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या कहता है कि एक सेट ऑफ लॉज रहेगा और उसी अनुसार सब लोग फॉलो करेगा उस लॉज को और इक्वल होगा सबके लिए लॉज बट यहाँ पर डिवाइन राइट right जो कहता था वो टोटली totally ऑपोजिट था तो हम लोग सबसे पहला इशू जो इंग्लिश रिवोल्यूशन में देखते हैं वो देखते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन किंग एंड द पार्लियामेंट सेकेंड में पटिशन ऑफ राइट्स चार्ल्स वंस फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड अटेम्प्ट टू रूल विदाउट पार्लियामेंट लेड टू द दटिशन ऑफ राइट विच असोर्टेड पार्लियामेंट्री कंसेंट फॉर टैक्स इंटेशन एंड इ लिगैलिटी ऑफ आर्बिट्री एम्प्रजनमेंट चार्ल्स वंस जो हैं कुछ फाइनेंशियल पॉलिसीज लाते हैं लेकिन वो पार्लियामेंट्री वे से नहीं लाते हैं जिसके वजह से पिटिशन राइज होता है लोग जो हैं अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करते हैं कि आप बिना पार्लियामेंट्री कंसेंट के कैसे कोई भी टैक्सेंटेशन सिस्टम को इम्पोज कर सकते ये काफ़ी इलीगल चीज़ है ये सिक्सटीन ट्वेंटी एट में होता है थर्ड में हम लोग देखते हैं पर्सनल रूल चार्ल्स वन रूल विदाउट पार्लियामेंट फॉर एलेवन ईयर्स रेजिंग फंड थ्रू कॉन्ट्रोवर्सीज मीनस दिस पीरियड एंडेड विद द बिशअप वॉर अगेंस्ट स्कॉटलैंड फोर्सिंग चार्ल्स वन टू रिकॉल पार्लियामेंट हम लोग एक और इशू देखते हैं इंग्लिश रिवोल्यूशन में कि एक पर्सनल लॉ जो चार्ल्स वन फॉलो कर रहे थे बिना पार्लियामेंट के जो वो कर, कहते थे वही सही होता था क्योंकि वो डिवाइन राइट right पे बिलीव करते थे बट इसका एंड कब होता है जब बिशप वॉर होता है एंड ऑफ बिशप वॉर होता है स्कॉटलैंड में तो हम लोग देखते हैं कि, कि इनका जो रिजीम का पीरियड था चार्ल्स वन का वो फिर ख़त्म होता है लॉन्ग पार्लियामेंट एंड सिविल वॉर द लॉन्ग पार्लियामेंट शॉट द क्रलिटी रो रॉयल पावर्स लीडिंग टू सिविल वॉर बिटवीन द रॉयलिस्ट एंड द पार्लियमेंट्रिस्ट द कॉन्फ्लिक्ट इलिमिनेटेड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स वन इन सिक्सटीन फोर्टी नाइन एक लॉन्ग वॉर हम लोग देखते हैं इंग्लिश में कि कुछ लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए बट कुछ जो रॉयल पीपल थे वो लोग कहते कि नहीं पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर इक्वल हो जाएगा सबके लिए लॉ ऑल ओवर कॉर्मिल एंड रिपब्लिक क्रमवेल्थ एंड रिपब्लिक, कॉमनवेल्थ एंड प्रोटेक्टरेट्स आफ्टर चार्ल्स वन एग्जीक्यूशन इंग्लैंड वॉज डिक्लेयर अ रिपब्लिक नोन एज द कॉमनवेल्थ विथ ऑलर कॉमन क्रॉनवेल्थ इवेंचुअली बिकमिंग द लॉर्ड प्रोटेक्टर इन सिक्सटीन फिफ्टी थ्री हम लोग देखते हैं कि चार्ल्स वन को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है क्योंकि वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर बिलीव नहीं करते बट उनके एग्जीक्यूशन के बाद इंग्लैंड में रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है जिसको कॉमनवेल्थ कहते हैं मिलिट्री रूल कॉर्नवेल्थ रूल वॉज मार्क्ड बाई मिलिट्री डिक्टेटरशिप स्ट्रिक्ट रिफॉर्म्स एफर्ट्स टू इन्फोर्स रिलीजियस टॉलरेंस फॉर सर्टे प्रोटेस्टेंट्स सेक्स वाइल्ड सप्रेसिंग अदर्स जब कॉमनवेल्थ जिसको हम लोग कॉर्नवेल्स भी रूल कहते हैं क्रोवेल्थ क्रामवेल्थ रूल तो क्रामवेल्थ रूल में हम लोग देखते हैं कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप बहुत ज़्यादा होता है अभी भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप हम लोगों को देखने को मिलता है पाकिस्तान में कि जो मिलिट्री चाहती है वही रूल करता है तो उसमें मिलिट्री डिक्टेटरशिप देखने को मिलता है और वो लोग जो एफर्ट्स था करते हैं रिलीजियस को टॉलरेंस प्रमोट करने में डिक्लाइन एंड डेथ क्रामवेल डेथ क्रॉमवेल का डेथ हो जाता है सिक्सटीन फिफ्टी एट में जिसके वजह से एक पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है क्रॉमवेल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मिलिट्री अचीवमेंट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया बट उनके डेथ के बाद एक पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है एंड दिस सन रिचर्ड इनएबिलिटी टू मैंटेन कंट्रोल पेफ द वे फॉर द मोनाक्सी रिटर्न क्रामवेल आते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सेटअप करते हैं मिलिट्री रिजीम लाते बट उनके डेथ के बाद उनके सन जो रिचर्ड आते हैं वो इनकेपेबल थे रूल करने के लिए और उसके बाद हम लोग फिर से देखते हैं कि मोनाक का रूल जो था वो रिटर्न हो जाता है रिस्टोरेशन एंड ग्लोरियस रिवोल्यूशन द री ऑफ चार्ल्स टू द मोनाकी वॉज री स्टोर विद चार विथ अ मोर कॉपरेटिव अप्रोच टूअर्ड्स पार्लियमेंट बट फेस रिलीजियस एंड पोलिटिकल टेंशन अब चार्ल्स टू जो है वो वापस आ जाते रिस्टोर हो जाता है मोनाकी रूल बट इस इस बार जो है वो रिलीजियस और पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा कॉपरेटिव सेक्युलर अप्रोच अपना रहे थे जेम्स टू एंड ग्लोरियस रिवोल्यूशन चार्ल्स टू ब्रदर जेम्स टू कैथलिक फेस्ड ऑपोजिशन ड्यू टू हिज टू रिलैक्स लॉज अगेंस्ट कैथलिक एंड असर्ट अ रॉयल अथॉरिटी जेम्स टू जो है वो चार्ल्स टू के भाई थे वो कैथलिक uh, से मेनली बिलोंग करते थे और उनको बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन फेस करना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन ले आते हैं कैथलिक लॉज में द ग्लोरियस रिवोल्यूशन ऑफ सिक्सटीन एटी एट सॉ जेम्स टू डिसपोज्ड एंड रिप्लेसड बाई द प्रोटेस्टेंट डॉटर मैरी टू एंड हर हजबैंड विलियम ऑफ औरेंज हुक्सेप्टेड द बिल ऑफ राइट इन सिक्सटीन एटी नाइन स्टैब्लिशिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनाकी हम लोग देखते हैं कि उनकी जो डॉटर थी मैरी टू और उनके हस्बैंड विलियम वो दोनों जो बिल ऑफ राइट आया था सिक्सटीन एटी नाइन में उसको अडॉप्ट कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनाक को स्टैब्लिश करके बट हम लोग एक फ़ाइट देख रहे थे कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है और डिवाइन किंग में वो अभी भी चल रहा था रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पॉलिटिक्स ये फाइट क्यों चल रहा था क्योंकि जेम्स टू जो है वो जो चर्च के लोग थे कैथलिक के चर्च के लोग थे उनके लिए लॉस बहुत सिंपल और हल्का कर दिया गया था ताकि उनके गलती को अगर वो करते भी थे तो उनको माफ किया जा सके प्योरिटेरियंस एंड एंजिलियंस द इंग्लिश रिवोल्यूशन और सिग्निफिकेंट रिलीजियस कॉन्फ्लिक्स विद प्योरिटन सीकिंग द प्योरिटी प्योरीफाई द चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड अपोजिंग द परसिव्ड कैथलिक टेंडेंसीज ऑफ द मोनाक हम लोग एक कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं प्योरिटेरियंस और एंजिलियंस में प्योरिटेरियंस का क्या कहना था वो लोग बिलीव करते थे सीकिंग टू प्योरीफाई द चर्च ऑफ इंग्लैंड वो लोग प्योरीफाई कर रहे थे चर्च को और अपोज़ कर रहे थे कैथलिक टेंडेंसीज को मोनाक्स को कि वो लोग जो है इम्प्योर कर दिए हैं चर्च को एक ये भी हम लोग प्योरिटी मूवमेंट देखने को मिलता है कैथलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट फाइट भी देखते हैं हम लोग जेम्स टू कैथलिज़म एंड हिज पॉलिसीज़ टू फेवर कैथलिक हाइट एंड फेयर ऑफ रिटर्न टू कैथलिक डोमिनेंस कंट्रीब्यूटिंग टू हिज ओवर थ्रो जेम्स थ्रू जेम्स टू जो है वो कैथलिज़म के पॉलिसीज़ को उनको सेव करना चाहते थे तो उनके फेवर में कुछ कुछ हाइटन कर देते हैं उनका पॉलिसीज इतना हाइटन हो जाता है कि उनके फेवर में कर देते हैं कि जो लोग थे वो अब स्टार्ट कर देते हैं फ़ाइट करना और ओवर थ्रो करना कैथलिक को इंटलेक्चुअल ट्रेडिशन पोलिटिकल फिलासफर्स लाइक थामस होप्स एंड जॉन लॉक इमर्जरिंग दिस पीरियड विद्स एडवोकेटिंग फॉर स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज अथॉरिटी इन हिज वर्क लिविंथम एंड लॉक प्रमोटिंग आइडियाज ऑफ नैचुरल राइट गवर्नमेंट बाई कंसेंट विच इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ लिबरल पोलिटिकल फिलासफी हम लोग देखते हैं कि इंटलेक्चुअल ट्रेडिशन भी जो है वो इमर्ज करता है पॉलिटिकल फिलासफर्स आते हैं जैसे कि जॉन्स जॉन लॉक थॉमस हॉब्स तो थॉमस हॉब्स कहते हैं कि एक सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है ना कि तो डिवाइन राइट right का थियोरी उसको वो एडवोकेट करते हैं उसको वो रिजेक्ट करते हैं बोलते हैं कि नहीं डिवाइन राइट right जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है प्रेजेंट सनारियों में एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए वहीं पर जो थॉमस हॉब्स हैं उनका भी यही कहना था कि नहीं एक गवर्नमेंट होना चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए और वो नेचुरल राइट्स के बारे में लॉक जो है वो नेचुरल राइट्स के बारे में बात करते हैं जो ह्यूमन का फ्रीडम ऑफ स्पीच है राइट right है इक्वालिटी है ये सब चीज़ के बारे में क्वेश्चंस ऑफ रिवोल्यूशन एंड सिविल वॉर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं रिवोल्यूशन और सिविल वॉर में उठाए जाते हैं जैसे कि पहला नेचर ऑफ अथॉरिटी द पीरियड रेज फंडामेंटल क्वेश्चन अबाउट द सोर्स एंड लिमिट ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी द राइट ऑफ सब्जेक्ट एंड द रोल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बनाने का बात हुआ तो हुआ कि क्या क्या नेचर होना चाहिए एक अथॉरिटी का क्वेश्चन रेज किया गया कि क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ होना चाहिए क्या क्या लिमिटेशन होना चाहिए एक पोलिटिकल अथॉरिटी का क्या क्या राइट right होना चाहिए लोगों का किस सब्जेक्ट पे बात करना चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस क्या क्या जो भी हैं जैसे एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट्री तो उनका क्या रोल होना चाहिए लेगेसी द इंग्लिश रिवोल्यूशन सेट द स्ट्रॉन्ग फॉर मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिकल थाट एंड फ्यूचर रिवोल्यूशन बाई डेमोन्स्ट्रेटिंग द पावर ऑफ पीपल टू चैलेंज एंड चेंज द गवर्नमेंट इंग्लिश रिवोल्यूशन एक मॉडर्न डेमोक्रेसी को लाता है इसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कल्चरल सोशल चेंजेस आता है और लोगों को पावर मिलता है ताकि वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इस्टेबलिश कर पाए द पीरियड ऑफ़ रिवोल्यूशन एंड सिविल वॉर इन इंग्लैंड लेड द ग्राउंड वर्क फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मुनाकी पार्लियामेंट्री सोवरानिटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पोलिटिकल एंड रिलीजियस फ्रीडम तो रिवोल्यूशन जो आया सिविल वॉर इंग्लैंड का तो इंग्लैंड का रिवोल्यूशन एक बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल्स साबित uh, हुआ क्योंकि इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मुनाकी का एंड होता है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का स्टैब्लिशमेंट होता है तो हम लोग यूनिट कवर कर चुके हैं सिक्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट सेवन करेंगे थैंक यू एवरीवन